मासूम बच्चियां हुईयां मावां जिया। पति दे गैर कुदरती मंग ने लै लई पत्नी दी जान। यह मामला पटियाला दे मॉडल टाउन विच पैंदे गोविंद नगर दा है, जिथे राम भरोसे पासवान नामक व्यक्ति ने अपनी पत्नी अर्चना देवी दा मुंडा ना होण करके बेरहमी नाल कतल कर दिता ते फिर लाश नूं लैके फरार हो गया। जो मेरे बेटी को ना दो बेटी थी, उसके कारण ने इसको बड़े वाला भैंसूर और इसके मामा जी लड़का को दोनों मिलके उस लड़का को दबाव दे रहा था कि दो लड़की है तुमको, सो उसको तुमको लड़का नहीं होगा तो तुम दूसरे शादी कर लो। उसके चलते में उस लड़की को मार पीट कर रहे थे। तो हम बहुत समझाए बेटी के तुम मत जाओ वहाँ, तुमको मार देगी, मार देगा वो। फिर भी वो माने बोले ने कि हमको कि मम्मी मत ऐसा बात बोलो, वो मेरा पति है और दो बच्चा है तो वो हमको नहीं मारेंगे। उस भरोसा पर हम उसको छोड़ दिए कि जाओ, लेकिन यहाँ ला के इसको हत्या कर दिया गया हुआ है। इसके माए बाप भी उसको वही बात लड़का को कहते थे, उसके माँ कि तुमको लड़का नहीं होने वाला है उससे, तुम दूसरे शादी कर लो। हमको बेटी के बदला इंसाफ चाहिए। अब तो मेरे बेटी नहीं लौट के आएगी तो हमको इंसाफ। जदों ही सूचना बिहार च रहदे अर्चना दे पेक्यां नूं मिली ता उन्हां ने राम भरोसे नूं कहा कि लाश नूं अंतिम संस्कार लई इत्थे ले आ। पर पुलिस दे डर तो राम भरोसे अर्चना दी लाश नूं लै के एम्बुलेंस विच रख के बिहार भजन लगा। ते जदों अर्चना दे प्यो नूं इस गल दी भनक लगी ता उन्हां ने गूगल मैप तो राम भरोसे नूं लभ के पटियाला मॉडल टाउन दे थाने दे इंचार्ज नूं इतला दित्ती ते पुलिस एम्बुलेंस समेत करनाल पहुंचे दोषी नूं वापस आउण दे हुक्म दित्ते। इस दे नाल ही पुलिस ने दो होर बंदियां नूं भी काबू कीता ते सारे मामले दा खुलासा होणा हाले बाकी है। आपने लोगों ने हम लोगों ने कहा कि ठीक है, आपने जो मर्डर हो गया तो आप रहने दो घर में, हम लोग पहुंच रहे हैं जहां मर्डर हुआ उस घर में जो है फांसी लगा करके जो भी हो आप उसी घर में रहने किराए के मकान पे रहते थे। तो ये इसने क्या किया, वो लेकर के जो है बिहार आने लगा, भाग लड़की बॉडी को लेकर के जो है ना भागने लगा एक एम्बुलेंस के साथ, डेड बॉडी भी ले गया, डेड बॉडी ले गया। तो फिर हमने गूगल पर चेक करके उस थाने का नंबर जो है ना बात किए, थाने वाले से बात किए, थाने वाले ने बहुत कोऑपरेट किया, पंजाब पुलिस बहुत अच्छी है। मारने का क्या, वो उसका जो है ना यही है, लड़का नहीं हो रहा था उसको, और उसका जो है ना और कुछ लोग हैं उनके जो परिजन होने के कारण मारा, हाँ परिजन है उसके, जो भाई है मामा है वो लोग कोऑपरेट करता था लड़का को, सास ससुर वहाँ पर जो हमारे बिहार में है। और मुझे इंसाफ चाहिए, मैं पंजाब पुलिस के कप्तान से भी निवेदन करता हूँ, एसपी साहब से, और ये जो हमारे जो अभी जो डीएसपी साहब है जितने टीम है बहुत ही कोऑपरेट माइंड है और अच्छे से इंसाफ हुआ है, मुझे पढ़ के भी सुनाया गया है और मुझे सबको सजा होना सजा चाहिए, इनको इंसाफ चाहिए। एक तरीक में सानू इतलाह मिली सी फोन पे कि अर्चना देवी नाम की एक 27 साल की लेडी की डैथ हुई है गोबिंद नगर के इलाके, तो वो हसबेंड वो बॉडी लेके बिहार में चले गए थे। असी फिर राउंड अप करके वो बॉडी करनाल तो वापस लिया इतने, तो इन्होंने वारस बिहार रेंदे सी करके उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं हो सकी। इन्नी देर बॉडी में असी मॉर्चरी रखे, हूँ असी पोस्टमार्टम करा रहे हैं, जिमें कॉज ऑफ डैथ आऊगा आप कार्रवाई करा। ये प्राइमा फेसी है तो हले असी पूछा जो इन मदर तो लड़की की मदर तो, वो कहते कि तंग परेशान करते कि लड़का नहीं हो रहा सी, इस करके यह कहो जिहा समाज है साडा जिथे मुंडा होण ते सुख ते कुड़ी होण ते अज भी दुखी मनाया जांदा है। ते कई वार तां मुंडा होण दी चाह इन्नी वध जांदी है कि इस इच्छा करके पत्नी दा ही कतल कर दित्ता जांदा है। सो जरूरत है साडे समाज नूं बदलण दी ताकि कोई होर मासूम बच्ची मां वांझी ना हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाबी टीवी।